आप अपने बुलेरो के बारे में शायद म्यूजिक सिस्टम में इतना शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आज एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और आपने चश्मा देखा, आँख में बहुत इन्फेक्शन हो गया, बहुत ख़राब हो गई है आँख। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है, ये हमारा केनवुड है। अभी तक जितने भी महिंद्रा बुलेरो में गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम दे रहा है वो केनवुड कंपनी ही दे रही है, महिंद्रा अपनी बैचिंग करके वो दे रहा है। और इसका अगर मॉडल नंबर आप जानेंगे तो KDC MP249 इसका मॉडल नंबर है। इसकी अब शुरुआत से हम जानकारी जानेंगे। देखिए ये जो ऊपर का है ना, ये सिर्फ इसका मदरबोर्ड है जो इसको सारे रिस्ट्रिक्शन देता है। इसको निकालने का फंडा बहुत ही आसान है कि आप इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे और ये अपनी की ओर खींच, ये हल्का सा आपने किया और ये निकल आया। यहाँ पे इनकी पिन होती हैं जो ये कमांड देता है और इसके थ्रू ये जुड़ जाता है। फिर आपको कैसे लगाना है, जैसा आपको ये एरो बना हुआ है कि इसको आपको सबसे पहले पीछे की ओर स्लाइड करना है और फिर ये इसको लगा देना है। अभी मैं इसका कवर निकाल के रखता हूँ जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आए। यहाँ पे तो यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्यूनर है ये FM में ही आपकी USB भी काम करती है, USB काम करती है। लेकिन जो अब की गाड़ी आती है ना उसमें प्रॉपर अलग से एक सेगमेंट दिया जाता है कि उसमें आप USB यूज कर सकते हो। जैसे ये मेरा पुराना वाला मॉडम है तो आप रिलेट कर सकते हो, इसमें मैंने USB डाल रखी है। बाकी ये खुलता कैसे है इसी की मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए आज आपको वीडियो मिलेगी, 6 बजने वाले हैं। अगर आपको ऑक्स लगाना है तो आप यहाँ से बटन को दबाएंगे तो ये ऑक्स कनेक्ट हो गया और ये स्टैंड बाई हो गया, मतलब अभी ये कोई हरकत नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो ये नॉब है, इसी से आपका वॉल्यूम ऊपर और नीचे की ओर होता है। FM सुन रहे हो, यहीं से आपका FM भी कनेक्ट होता है, ऑक्स, स्टैंड बाई और ट्यूनर। ट्यूनर में FM होता है, अगर आपने USB नहीं लगा के रखी है तो FM ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने USB या ब्लूटूथ लगाया है ना तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ये वापस आने का है, उसके बाद ये नीचे बैंड का है, आप कौन सा बैंड सुनना चाहते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये आपका जब भी आप USB लगाते हैं ना तो नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए, और साथ में ये स्कैन करने के लिए भी है कि नेक्स्ट और प्रीवियस स्कैन भी होता है। और यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्कैन फिर से करना स्टार्ट कर देगा, ये रिपीट का है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑक्स की। या तो एक साइड का दाएं का नहीं बजेगा या एक साइड का बाएं का नहीं बजेगा, वो सबसे ज़्यादा ऑक्स में ये वाली प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता रही थी। इसके बेसिक फीचर तो आप जान गए, ये CD के लिए था, ये आप CD निकालते थे, इजेक्ट करता था और लगाता था, तो अब ये पुरानी चीज़ें हो गई, अब ये तो बंद हो गया है। नई वाली में ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, मैं आपको पहले से बता दूं B6 ऑप्शनल या B6 की जब मेरे पास गाड़ी आएगी, अभी चूंकि लॉकडाउन है, देखिए मेरे बगल में ही अगर किसी दिन आती है तो मैं आपको उसके पूरे फंक्शन समझा दूंगा कि कैसे क्या उसमें आप कॉल देख सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। पॉज का बटन है, मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और किसी का फ़ोन आ गया ना, तो आपने बस ये सिंगल सा बटन दबाया ना तो ये म्यूट हो जाएगा, फिर से आपने दबा दिए वो चाहे किसी भी फंक्शन में लगी हो ये फिर ऑन हो जाएगा। इसकी अगर बात करें, डिसेंट आवाज़ है। स्पेसिफिकेशन भी आपको बता दूं, जो पीछे के जो स्पीकर हैं वो आपके 6 इंच के हैं, आगे वाले जो स्पीकर जो आपको पैर के पास मिलेंगे वो उधर भी रहता है और आपके ड्राइवर साइड पर भी रहता है यहाँ पे। तो ये जो दो स्पीकर हैं ये आपको 4 इंच के मिलेंगे, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। और इनमें एक अच्छा सा मिक्सचर मिलता है आपको, ना ज़्यादा ट्रेबल मिलता है ना ज़्यादा बॉस मिलता है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, चूंकि इसका केबिन बड़ा है तो साउंड आपको ठीक ठाक मिलेगा। जब इसकी आप ओवर आवाज़ करेंगे, जैसे ये मेरी 35 तक जाती है, तो 35 के बाद ये अपने आप ये प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है जिससे आपकी आवाज़ में भरभराहट आने लगती है। अब इसकी आवाज़ सुन लेते हैं कैसी है। देखिए VT डोंगल के नाम से आता है, ये सीधे कनेक्ट हो जाता है। आगे का एक ही स्पीकर काम कर रहा है, बाकी एक स्पीकर ख़राब है। तो मैंने क्या किया था कि दोनों स्पीकर हटा के एक होम थिएटर का स्पीकर लगा दिया था, तो हाँ वो आवाज़ कम है पर हाँ ठीक ठाक आपको आवाज़ उस टाइम पे मिल जाती। भरभराहट की इसमें साउंड है, पर क्या है कि जब गाड़ी वो चलने लगती है तो वो भरभराहट की साउंड कहीं ना कहीं आवाज़ में वो दब जाती है। तो
ये अभी नॉर्मल साउंड कर रहा है, उसके बाद मैं बूफर का यूज करूंगा। चलिए बूफर को ऑन करते हैं। तो पहले तो गाना तो लगा दे जिससे आपको चेंजेस मालूम चले। तो ये इसका कमाल, इसको बंद कर दूंगा नॉर्मल, उसके बाद बूफर। चलिए रेफरेंस के लिए यही गाना हम उठा लेते हैं। उसके बाद आपको जितने भी मेनूज मिलेंगे वो आपको इस पे मिलेंगे। जब आप इसको सिंगल प्रेस करोगे, ध्यान देना है, आप सिंगल प्रेस करोगे तो आपको फंक्शन दिखाई देगा। तो जब फंक्शन में आप देखोगे तो ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल पे जब जाओगे तो ये बास्ट बूस्ट है, मतलब ये बास्ट की क्वालिटी बढ़ाता है। जैसे मैं अभी तेज कर देता हूँ बास्ट को, तो उसके बाद आप देखोगे कि ये बास्ट बूस्ट की लेवल 1 है। जैसे मैं 1 पे करूँगा तो थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाएगी। देखिए आप थोड़ी सी आवाज़ कम हो, पता नहीं ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल से बहुत कम हो जाती है। वहीं पे 2 पे कर लेंगे तो और बढ़ जाती है। तो ये बास्ट बूस्ट है, तो लगभग आप 1-2 के आसपास, अगर आप धीमा सुनना चाहते हैं और बास्ट ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि आपको कैसा चलाना है, कि आपको जैसे ये बॉस एडजस्ट है, बॉस एडजस्ट करना है कि जैसे आपका ये प्रो हो गया, इसमें एक लेबल आएगा, लेबल पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा कितना आपको चाहिए। ये देखिए बढ़ गया बॉस, अब इसको आप कम कर दो, बहुत कम हो गया, और इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। लगभग 6 के आसपास करे रहो तो आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो ये खतरा रहता है आपके स्पीकरों को, ये ख़राब कर देता है। उसके बाद लेबल के बाद अगर आप आएंगे तो ये प्रो है, ये थोड़ा सा लेबल में आप जाइए, लेबल के अलावा किसी में नहीं। उसके बाद आप बॉस एडजस्ट में आते थे, अभी आप मिड एडजस्ट में जाएंगे। मिड एडजस्ट जो आपके वोकल्स होते हैं, वोकल मतलब जैसे आवाज़ हो गई, ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो उसमें होता है। तो उसमें आप कैसे करोगे, उसमें आपको मिड में क्या करना है कि मिड को आप एडजस्ट करो। ये प्रो है मतलब ये अलग से जो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक फिट है वो हो जाएगा, नहीं तो आप मिड लेवल में जाओगे तो ये जैसे ही आप कम करोगे तो वो मिड जो आपके वोकल्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, और कम करना है तो और कम, बिल्कुल ख़त्म से हो जाएंगे, और उसको रिच करना है आपको तो ये बढ़ जाएंगे। तो आप हमेशा वोकल्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो 6-7। अगर आप ट्यूटर और बॉस को ज़्यादा सुनना चाहते हो तो इसको कम पे रखो, अगर आप वोकल यानी आवाज़ को ज़्यादा रिच सुनना चाहते हो तो उन दोनों को कम कर दो और इसको आप बढ़ा दो। उसके बाद अगर हम आते हैं ट्रेबल एडजस्ट, ट्रेबल मतलब छनछना ट्यूटर की आवाज़, ये सब इसमें ट्रेबल में, ट्रेबल की बात आती है। ट्रेबल में आपको ये स्वीप को लेवल में जाना है, लेवल में जैसे ही आप कम करोगे ना तो जो छनछनाहट की आवाज़ नहीं होती, आपको इंस्ट्रूमेंटल की भी आवाज़ आती, छन छन की आवाज़ आती, वो कम होती। जैसे मैं आपको कम कर दूंगा तो देखिए आपको आवाज़ बिल्कुल छनछनाहट बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो इसको आप बढ़ा देंगे तो छनछनाहट की आवाज़ वापस आ जाएगी। जैसे मैं ज़्यादा सुनता हूँ तो मैं 8 पे रखता हूँ, इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा क्लियर रहता है आवाज़ की, जो क्लियरिटी है वो रहती है। तो अगर आप बॉस कम सुनता है, क्लियरिटी और मिड यानी वोकल ज़्यादा आप अच्छा सुनते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि ट्रेबल और मिड साइज आप ऊपर रख सकते हैं। तो ये ट्रेबल हो गया। उसके बाद आपके आते हैं बैलेंस। बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। ये बैलेंस होता क्या है, ये बैलेंस करता है आपके स्पीकरों को। जैसे ये राइट साइड 1-2-3 लिख रहा है, मतलब ये राइट, जितना आप घुमाओगे इसमें लेवल रहता है 15 तक का, 15 करोगे मतलब पूरी तरह से आपके राइट स्पीकर बजेंगे। उसके बाद आप इसको घुमा दोगे 0 पे आएगा जैसे, तो मतलब आपके दोनों बराबर बैलेंस में बज रहे हैं, और फिर आप करोगे तो ये लेफ्ट साइड को बज रहे हैं। बहुत सारे में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मेरे में राइट साइड को बज रहा है, मेरे में लेफ्ट साइड को बज रहा है, तो इससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बैलेंस में आता है फेडर। फेडर का मतलब ये रहता है कि आपको किधर सुनना है, फ्रंट में सुनना है कि रियर में सुनना है। तो जैसे आपको ये एफ दिख रहा है तो ये आपका, जैसे ही मैं फ्रंट का करूंगा, इसमें भी 15 लेवल है, तो पूरे आगे फ्रंट के स्पीकर बजेंगे। वहीं पे आप इसको उल्टा घुमाओगे तो आपकी ये लेफ्ट साइड मतलब रियर साइड के आपके पूरी तरह, जैसे 15 हो जाएगा तो पूरी तरह से ये मालूम कब काम का आता है। जैसे ही आपके पीछे साइड पे कोई एजेड लोग बैठे हैं
तो आपको उनको कम आवाज सुनानी है, तो आप एक काम करो कि फ्रंट के आवाज को आप बढ़ा दो और पीछे वाले आवाज को इससे आप कम कर सकते हो। वहीं पे अगर आपके पीछे साइड पे बच्चे बैठे हैं उनको ज्यादा तेज आवाज सुननी है तो आपको धीमे सुननी है, तो आप फ्रंट की आवाज कम कर दो, पीछे की आवाज ज्यादा कर दो। और कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके आगे के स्पीकर ज्यादा आवाज कर रहे हैं पीछे के कम, तो ये इससे होता है। ये आपको आवाज सारी तरीके से बढ़ानी है, फुल करनी है। आवाज आपको हल्का सा ये लग रहा है कि कम है, तो आप जितना बास, ट्रेबल और मिड है उनको सबको हाई कर देंगे ना, तो उनकी आवाज सब में बढ़ जाएगी। और आपको कम करना है, आपको ये लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग बहुत तेज बजा देते हैं, तो आप उन सबको जीरो, सबका लेवल एक बराबर करोगे ना, तो आपके में लेवल जो आवाज की क्वालिटी है ना वो सेम ही रहेगी, पर हाँ उनके जो वैल्यूम है वो घट जाएंगे। वापस आओगे तो ऑडियो कंट्रोल के बराबर ये सेटिंग है, ये सीक मोड है। सीक मोड का मतलब ये देखिए, ऑटो मेमोरी। ऑटो मेमोरी एक्चुअल में क्या है कि जब आप यूएसबी लगाते हो ना, ऑटो कर देते हो, तो वो एक या दो गाना ले लेता है, अब ये किसी काम का नहीं है। डेमो मोड मतलब वो जो चलता फिरता एनिमेशन रहता है, वो ऑन कर दोगे तो चलता रहेगा, बाकी अगर ऑफ कर दोगे तो वो नहीं चलेगा, वो फालतू में एनर्जी लेता है और कुछ नहीं कंज्यूम करता है। VR6 जैसे ही आएगी गाड़ी मैं आपको उसके बारे में भी और बता दूंगा। सबसे ज्यादा शिकायत आती है ऑक्स में, ऑक्स में एक तरफ आवाज कम आती है, एक तरफ ज्यादा आती है। और सबसे अगर आपने लास्ट में आ गए हैं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी से रिलेटेड। ये देखिए ये बंद हो गया, अब इसको बाहर करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में प्रोटेक्ट लिख जाए तो यहाँ पे एक बटन है, इसको आपको ऐसे किसी भी पिन से ऐसे दबाना है तो ये प्रोटेक्ट रिसेट हो जाएगा। तो रिसेट जब हो जाएगा तो आपका ये जो प्रोटेक्ट सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में तो भी रिसेट नहीं हट रहा है तो आप क्या करो कि मैं आपको जैसे बताया उनकी लिंक दे दूंगा ना ऑक्स की, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि इसको कैसे निकालना है। पीछे का क्लिप है वो जो निकाल दे, इसके अंदर भी आपको लाइट दिखेगी क्योंकि वो करंट आता रहता है। तो प्रोटेक्ट का आप समझ गए हो, अब मेरे से आप कोई पूछेगा तो चलो मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो प्रोटेक्ट आप इसी तरह से हटा सकते हो, मेरे में कभी ऐसा हुआ नहीं है तो मैं बचा हुआ हूँ। एक चीज और है, इसको कभी भी चिपकाइएगा नहीं क्योंकि ये बहुत काम देता है। इसको अगर चिपका देंगे जितनी बार भी निकालेंगे तो ये खराब हो जाता है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। बल्कि आप ऐसे ही किसी चीज से ऐसे लगाए रखो, लगा रहे बस हो गया, ये फालतू खड़ा ऑर्डर नहीं करता, आप परेशान मत होइए, इसको लगा रहे दो। इसमें कभी भी किसी प्रकार के चिपकाने वाली चीज, फेविक्विक या ग्लू ये सब मत डालना, आपको ऐसे ही रखना है इसको, नहीं तो आप बहुत पछताओगे, बड़े मुश्किल से निकलता, टूट जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जनरली बंद ही कर देता हूँ, तो आपको इसको दबाना है और बंद कर देना है। जब मेरे को म्यूजिक चलाना होता है तभी मैं चलाता हूँ, नहीं तो बंद ही कर देता हूँ। वूफर को भी बंद करें, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।